पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को मुगल बादशाह अकबर की फौज और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता है, के बीच लड़ी गई। जनवरी 1556 में मुगल बादशाह हुमायूं की दिल्ली में अचानक मौत के बाद उनके बेटे अकबर, जो उस वक्त सिर्फ 13 साल के थे, अगले मुगल बादशाह बने। अकबर की उम्र कम होने की वजह से मुगल हुकूमत की बागडोर अकबर के गार्डियन और मुगल फौज के वफादार सिपह सालार बैराम खान ने संभाली। दूसरी तरफ हेमू, जो मुगल बादशाह हुमायूं की मौत के वक्त बंगाल में थे, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया और अपनी फौज लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। हेमू ने जब आगरा पर हमला किया तो अकबर की फौज का कमांडर बिना लड़े ही वहां से भाग गया, जिसकी वजह से इटावा, कल्पी और आगरा जैसे बड़े इलाके हेमू के कब्जे में आए। इसके बाद हेमू दिल्ली के करीब तुगलकाबाद पहुंचा, जहां अक्टूबर 1556 में इसका सामना दिल्ली के मुगल गवर्नर तर्डी बेग खान और मुगल फौज से हुआ। इस जंग को बैटल ऑफ तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है। कड़ी टक्कर के बाद हेमू की फौज ने अकबर की फौज को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, मगर मुगल फौज का कमांडर तर्डी बेग खान वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। 7 अक्टूबर 1556 पुराना किला में हेमू की ताजपोशी की गई, जिसके बाद उसने खुद को सम्राट हेमचंद्र विक्रम आदित्य के नाम से नवाजा। कहा जाता है कि जब हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया, उस वक्त 13 साल का अकबर और उसका गार्डियन बैराम खान काबुल में किसी मुहिम पर थे। दिल्ली के हाथ से निकल जाने की खबर मिलते ही अकबर और बैराम खान अपनी फौज को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। आखिरकार 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू की फौज का सामना पानीपत के उसी तारीखी मैदान में हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली जंग में हरा कर हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत की बुनियाद रखी थी। एक हिस्टोरियन के मुताबिक अकबर और बैराम खान मैदान जंग से 8 मील की दूरी से इस जंग को देख रहे थे, क्योंकि बैराम खान नहीं चाहता था कि 13 साल के अकबर को इस जंग में कोई नुकसान पहुंचे। और तो और, उसने 5,000 काबिल और वफादार सिपाहियों को अकबर की हिफाजत के लिए तैनात किया था और अकबर को यह हिदायत भी दी थी कि अगर जंग में मुगलों की हार हो तो अकबर अपनी जान बचाने के लिए काबुल चले जाएं। मैदान जंग में मुगल फौज के 10,000 घुड़सवारों को लेकर अली कुली खान शैबानी सेंटर में मौजूद था, जबकि राइट में फौज की कमान सिकंदर खान उजबक और लेफ्ट में अब्दुल्ला खान उजबक के हाथ थी। हेमू की फौज अकबर के मुकाबले में ज्यादा थी, जिसमें तकरीबन 30,000 घुड़सवार और 500 के करीब जंगी हाथी थे। हेमू इस जंग में अपनी फौज को सेंटर में एक हाथी पर बैठकर लीड कर रहा था, जबकि उसकी लेफ्ट में उनकी बहन का बेटा रमैया और राइट में शादी खान मौजूद था। आखिरकार जंग की शुरुआत हुई और दोनों फौजें एक दूसरे पर टूट पड़ी। कड़ी टक्कर के बाद हेमू की फौज अकबर की फौज पर भारी पड़ती नजर आने लगी और ऐसा लगने लगा कि हेमू की जीत बस अब कुछ ही फासले पर है, कि तभी अचानक कहीं से एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा और वो गिरकर बेहोश हो गया। अपने राजा को हाथी पर ना देख हेमू की फौज में भगदड़ मच गई और फौज की तरतीब बिखर गई, जिसकी वजह से मुगलों की फौज उन पर भारी पड़ गई और इस जंग में अकबर की जीत हुई। जंग खत्म होने के कुछ घंटे बाद हाथी पर बेहोश हेमू मुगलों के हाथ लगा और उसे अकबर के सामने लाया गया, जहां बैराम खान ने 13 साल के अकबर से हेमू का सर काट कर गाजी का लकब हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर अकबर ने निहत्ते हेमू का सर काटने से इनकार कर दिया, जिससे चिढ़कर बैराम खान ने हेमू का सर कलम किया और मुगलों की जीत का ऐलान किया। पानीपत में जिस जगह सम्राट हेमचंद्र का सर कलम किया गया, वहां उनकी याद में एक मेमोरियल तामीर किया गया, जिसे आज हम हेमू समाधि स्थल के नाम से जानते हैं। पानीपत की दूसरी जंग में अकबर की जीत ने मुगल हुकूमत को कामयाबी की एक अलग ही बुलंदियों पर पहुंचाया, जिसके बाद अकबर ने भारत में गंगा जमनी तहजीब की एक अलग मिसाल कायम की और मुगल आजम का नाम हासिल किया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मौजूद इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी पानीपत की तीसरी जंग की मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और जुड़े रहिए क्लासिक ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच।